पीछे आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत केवटी वाटरफॉल्स। और अब ये है BHU का हॉस्टल और फिलहाल मैं निकल रहा हूँ, शाम के 3 बज गए, बनारस से ले लिया अलविदा और फिलहाल मैं जा रहा हूँ रीवा की ओर। रास्ते मतलब मिर्ज़ापुर और प्रयागराज दोनों रास्ता पड़ेगा इस हाईवे से और देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं आज। तो भाई साहब शाम के बजने वाले हैं 6 और बहुत दिन बाद हमें ट्रक में लिफ्ट मिली है। ये भाई साहब क्या नाम है आपका? सतीश। सतीश और ये हैं शिव मूरत। ये लोग दे रहे हैं हमें आगे डायरेक्ट रीवा तक लिफ्ट। तो देखते हैं आज कहाँ हमारा रुकना होता है। तो बस मतलब आज देख लीजिए 3 बजे से निकला था और अभी शाम के 6 बजने वाले, 3 घंटे हो गए थे और फाइनली एक ट्रक में लिफ्ट मिली, वो भी डायरेक्ट। सो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जोहार। मैं हूं सोमेश और मैं कर रहा हूं 500 दिनों की भारत यात्रा। भारत यात्रा की इस कड़ी में मैं पहुंच चुका हूं मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले में। ज़िले मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर मैं आया हूं फिलहाल केवटी जलप्रपात। तो केवटी वाटरफॉल आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पर आसपास बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं जिनको आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से वीडियो को। ये रोते आ रहे हैं तो हंस के जाते हैं। यदि किसी के यानी बंस चलाने के लिए लोग तरसते हैं वो यहाँ से पा जाते हैं। अरे क्या बात, ये वो चीज़ है और ये सब इनके वजह से है, भैरवनाथ की वजह से है। ये है उनकी धुनी। क्या नाम बताया बाबा का? सीताराम महाराज। अच्छा अच्छा, ये उनकी धुनी है। ये धुनी उनकी यानी कंटिन्यू चलती रहती है। अच्छा। अब वो यहाँ पर नहीं है, वो चतुर्भुज भगवान मंदिर पे शिफ्ट हो गए हैं, पर मेन धुनी उनकी यही है, स्थापना उनका यही था। ये है अपने प्रवीण मिश्रा भैया और ये हमें लाए हैं केवटी फॉल्स घुमाने। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो मतलब पीछे मैं चलता आ रहा था, इन्होंने देखा हमारा पीछे बोर्ड लगा हुआ था तो खुद से रोका और नाश्ता वास्ता करवाते हुए फिर यहाँ पर घुमाने लाए। तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें अभी लेट हो रहा है तो निकल रहे हैं। चलिए भैया, कुछ दिक्कत होगा तो कॉल करता हूँ आप जी। ठीक है। चलिए, और ये है यहाँ की वो मंदिर की देख रेख करने वाली। अच्छा, जेरी है माली बाबा। माली बाबा जिनको बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत केवटी वाटरफॉल्स और मतलब ये सिंगल स्टेप में गिर रहा है, मतलब सीधे डायरेक्ट लगभग नहीं नहीं में होगा तो 200 से 300 फीट होगा इसका ऊंचाई। और शानदार यार, ये इसका जो गहराई है ना, इसे कहा जाता है कि अभी तक लोग नाप नहीं पाए हैं, बहुत सारे गोताखोर आए थे, लेकिन इसकी जो गहराई है ये बहुत ज़्यादा है और बहुत ही शानदार। यहाँ पर एक कैनियन टाइप का बनता हुआ उस साइड। अच्छा, यहाँ पर जो है सोमवल्ली, अच्छा, एक जड़ी है जो कैंसर की दवाई है। अच्छा, वो यहाँ मिलती है नीचे। हाँ, ये जो आपका ये दिख रहा है पैसेज। अच्छा, इसी अच्छा। पैसेज में मिलती है। क्या बात है, तो लोग तो जाते होंगे ढूंढने पर। ढूंढने नहीं, वहाँ से एक एक ट्रक ले गए। अरे हाँ, और यहाँ पर जो आसपास के गाँव है उनके सबके घरों में सोमवल्ली लगी हुई होगी, वो कैंसर की दवाई है। क्या बात है, ये एक दूसरी यहाँ की उपलब्धि है। तो ये है यहाँ पर पार्किंग और ये यज्ञ का एक प्लेस बना हुआ है। भैरव बाबा का मंदिर है, ये धुनी जो बताया था वो है और उस साइड से आप नीचे जा सकते हैं वाटरफॉल। सबसे अच्छी बात, किसी भी प्रकार की कोई टिकट नहीं है यहाँ पर, तो ये इसका एक प्लस पॉइंट हो जाता है। बहुत सारे मतलब यहाँ पर लोग आए हुए हैं और आज ऑफ डे है, मतलब मंगलवार है। कहाँ कहाँ से हो भैया? प्रयागराज से। अरे इतना संगम नगरी, इतना दूर से घूमने आए हो? हाँ। क्या बात है, इसके बाद कहाँ जाने वाले हो? इसके बाद यहाँ बस यही तक, MP में घूम रहे हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। हाँ। बहुत ही शानदार नज़ारे, मतलब एकदम दिल आपका खुश हो जाएगा, इतना खूबसूरत सा नज़ारा है और बस लोग इंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है देख के। सब ये नदी पार कर करके आ रहे हैं अपन और देख के आराम से
खूबसूरत फॉल्स के साथ आपको सामने दिख रहा होगा एक किला, तो उस किले में भी आप जा सकते हैं। बहुत दिन बाद ऐसा कोई जगह दिखा जिसने दिल जीत लिया, तो मतलब आप समझ सकते हैं इतनी यात्रा कर रहा हूँ और दिल मतलब प्रसन्न हो गया इस जगह में आके, तो है बहुत खूबसूरत है। इस वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए आपको रीवा से डायरेक्ट बसेस भी मिलती हैं। फिलहाल मैं आया था लिफ्ट मांग के, तो बैकुंठपुर तक की बस मिलेगी आपको, और बैकुंठपुर से फिर केवटी के लिए बसेस जो हैं चलती हैं, तो आप यहाँ पर रीवा से डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। और बस फिलहाल मैं निकल रहा हूँ यहाँ से चेचई वाटरफॉल, जो कि लगभग यहाँ से 25 किलोमीटर है, तो चलिए चलते हैं। तो भाई साहब फाइनली एक गाड़ी मिली हमें, पता नहीं इसके पैसे देने पड़ेंगे कि लिफ्ट मिली, समझ नहीं आ रहा। फिलहाल मैं सिरमौर तक जा रही है गाड़ी, अपन चल रहे हैं इनके साथ। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं सिरमौर नाम की एक जगह, बहुत ही अच्छा खासा ये टाउन है यहां का, और वहां पर हूं। जो गाड़ी जिसमें मैं उतरा वो दरअसल सवारी गाड़ी थी, मैं मतलब बिना पूछे ही बैठ गया, और मतलब केवटी वाटरफॉल से यहां तक का जो भी डिस्टेंस था आप तो मैं बाद में बताऊँगा, किराया मेरे को लगा 30 रुपीज़। वैन थी, अच्छा था, मतलब जल्दी पहुँच गए, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। मैंने एक्चुअली पूछा ही नहीं था, मैं मतलब इतना हड़बड़ी में था कि बस चढ़ गया। अभी फिलहाल जा रहे हैं इधर से चेचई वाटरफॉल्स की ओर। एक लिफ्ट मिली थी हमें, और वो भाई साहब बता रहे थे कि पानी जो है बिल्कुल भी नहीं है अभी, तो देखते हैं जितना भी वाटर होगा वो आपको दिखाएंगे, और इसके बाद फिर एक और वाटरफॉल है उसको आपको दिखाने ले चलेंगे। इसने भी कहा था, बहुत सही कहा था, पानी बिल्कुल नहीं है अभी, और ऐसा हो गया है वाटरफॉल। ओह नो, बरसात के मौसम में अगर आप आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर आपको वाटरफॉल देखने को मिलेगा, जो कि फिलहाल बिल्कुल ही नहीं दिख रहा यार। तो बस हो गए हमारे पोपट। तो भाई गांव वाले रास्ते से जा रहे हैं ना, तो लिफ्ट मिलना जो है अत्यंत ज़्यादा मुश्किल होता है। अभी दोपहर का समय है, एक तो कोई रोकता नहीं है, जा रहे हैं लोग लेकिन देख के जा रहे हैं, क्योंकि मतलब दिक्कत है थोड़ा। और बाकी ये पेड़ की छाया में बैठे हैं, इस तरह से कुछ सीन है। ये वाला जो पुल है ना, मतलब ये नीचे चेचई वाटरफॉल बनता है, और इस तरफ मैं जाना है, छाँव में बैठा हूँ पेड़ की, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है भाई। दोपहर का समय लगभग 2:30 से 3 बज रहे हैं, और बैग वैग हमारा पटक दिए यहाँ पर। यहाँ से नदी जो आएगी वो मतलब ये जो चेचई वाटरफॉल्स का निर्माण करती है। तो भाई साहब फाइनली पहुंच चुके हैं पूर्वा वाटरफॉल, और पूर्वा वाटरफॉल का सीन ऐसा है कुछ भाई, मतलब यहां पर पार्किंग एरिया है। ये भाई साहब लोग हैं, क्या नाम है भैया आपका? रिंकू चतुर्वेदी। और ये हैं अपने भैया राजा गौतम। तो ये लोग मिले पार्किंग यहां पर, ये लोग चलाते हैं, तो बस यहां पर बैठे थे यार, भैया लोगों ने बोला बैठो, पानी वानी पिलाया, और बस देखते हैं दिखाते हैं आपको वाटरफॉल। कितना कितना चार्ज है भैया पार्किंग का? 10 रुपए और 20 रुपए मतलब चार्जेस आपको लगेगा, 10 रुपए बाइक का, तो ऐसा कुछ चार्जेस है। और इसके अलावा वाटरफॉल का कोई, वाटरफॉल का नहीं है ना कोई चार्जेस, वाटरफॉल का कोई चार्जेस नहीं है। तो बाकी इधर कुरकुरे बिकता है, भैया बोलते कुरकुरे का भी बता दो क्या हुआ। भाई साहब फिलहाल बैग मैंने भैया के पास छोड़ दिया है, और मैं जा रहा हूँ यहाँ से अंदर, वाटरफॉल का कोई चार्जेस नहीं है। भाई साहब हवाएं जो है काफ़ी तेज़ चल रही है, और
ये जो पूर्वा वाटरफॉल है ना, बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब अगर मैं कहूँ कि उठी के बाद चेचई में तो पानी नहीं था, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। और लगभग सिटी से, मतलब रीवा सिटी से इसकी दूरी होगी 35 किलोमीटर, और 35 किलोमीटर उस साइड भी जाएंगे। और ये अगर पूरा एक ट्रायंगल आप लेंगे तो पड़ जाएगा आपको लगभग 100 से 110 किलोमीटर का। तो डायरेक्ट बस आती हैं इस साइड से, मरिया की साइड आती हैं बसें, तो उनमें चढ़ के आप यहाँ पर आ सकते हैं। 40 से 50 रुपये आपका टिकट लगेगा। तो बस ऐसा ही है कुछ सीन भाई, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर बैठे और इस सब को देख के। तो ये भाई साहब लोग मिले हैं, बता रहे थे कि बरसात में मतलब बहुत पानी आता है ना, बहुत पानी आता है। वो मतलब दूर दूर तक जो देख रहे हैं काई, तो वो पूरा एक धारा बहती है और फोर्स इतना होता है कि आप पत्थर भी फेंकेंगे ना तो वो फोर्स से वापस आ जाता है, ऐसा कुछ है। बहुत ही शानदार, अभी भी शानदार ही लग रहा है। यहाँ से देखने से ना ये कुछ ग्रैंड कैनियन वाला लुक आ रहा है, गांडीकोटा या फिर राजस्थान में जो है अपना, वैसा कुछ। और बहुत ही फोर्स के साथ, बहुत यहाँ से देखने से खींच रहा है। और बरसात में वो पूरा फव्वारा उठता है वहाँ से नीचे से, आदमी यहाँ खड़ा हो तो भीग जाता है। और बस ऐसा ही है कुछ सीन। और रीवा अगर आप आ रहे हैं तो ये जो तीनों वाटरफॉल है, इसके अलावा एक बहुत ही वाटरफॉल है जो कि यहाँ से थोड़ा सा दूर है, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा सिटी में रानी तालाब है, वहाँ पर आप घूम सकते हैं। रानी तालाब के अलावा आपको रीवा का फोर्ट देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। साथ ही साथ वहाँ से 18 किलोमीटर दूर जाते हैं तो गोविंदगढ़ का फोर्ट आप देख सकते हैं। और इसके अलावा एक टाइगर सफारी है, रीवा का टाइगर सफारी है, वहाँ आप जा सकते हैं। तो ये जो कुछ प्लेसेस हैं जिन्हें आप रीवा आते हैं तो घूम सकते हैं। तो बस इतनी जानकारी आज की इस वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।